आज सुबह से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। मुंबई में हालांकि इसका असर फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन ठाणे के भिवंडी में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी काफी स्लो है, बारिश अभी भी हो रही है और इसकी वजह से भिवंडी में स्थिति काफी खराब है। आप देख रहे हैं रफ्तार ही स्लो नहीं है, बल्कि कहीं कुछ जगहों पर जाम की भी स्थिति है, लेकिन ठाणे के भिवंडी में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मुंबई में फिलहाल स्थिति सामान्य है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन आसपास के इलाकों में ज़रूर लोगों को परेशानी हो रही है। ठाणे के भिवंडी इलाके में सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी काफ़ी परेशानी है, ट्रैफिक का भी हाल खराब है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं स्थिति काफी खराब, घरों में भी पानी घुस गया है, लोगों की आवाजाही भी काफी कम है, अगर जरूरत नहीं है तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं बिल्कुल सैलाब से नजर आ रहा है, सड़क बिल्कुल झील बनी नजर आ रही है। भिवंडी में जल भराव का ये आलम है और दावे बड़े बड़े, लेकिन स्थिति क्या है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, यहां की सावित्री नदी और गांधारी नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के दस्तूरी नाका इलाके में पानी भर गया है। रायगढ़ के महड में पूरी सड़क पानी में डूब गई है, यहां यातायात बंद कर दिया गया है। यहां कल रात से ही बारिश हो रही है, जिससे शहर पर बाढ़ का खतरा अब बढ़ गया है। महड नगर पालिका ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। आप देख रहे हैं सड़कों पर पानी है, अगर आगे गड्ढे तो घर से बाहर ना निकलें। आप देख रहे हैं सड़कों पर पानी है, अगर आगे गड्ढे हैं तो वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिलहाल पूरी सड़क नहर बनी नजर आ रही है, ये रायगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आपको नागपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। पहले दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर है नागपुर विधान भवन की, जहां पर बारिश का पानी अंदर घुस गया और उसकी वजह से जो सत्र चल रहा था उसको सस्पेंड करना पड़ा। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सड़क पर पानी भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे सड़क झील में तब्दील हो गई है, एक बस भी डूबी हुई नजर आ रही है। तो नागपुर की हालत भी काफ़ी ख़राब है बारिश के बाद। वाटर लॉगिंग बड़ी समस्या है, ना केवल मुंबई में बल्कि तमाम दूसरे शहरों में भी। और ऐसा आलम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि असम, गोवा, ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार भी बाढ़ और बारिश का प्रकोप झेल रहे हैं। महाराष्ट्र का नागपुर शहर समंदर बन चुका है, बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है और विधानसभा में भी घुस गया है। विधायकों के घुटनों तक पानी पहुंच गया। बारिश और जल भराव की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात ठप रहा। मौसम विभाग ने पूरे विदर्भ में अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि असम में अब तक बाढ़ की वजह से 29 लोगों की मौत हो चुकी है। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार, मकानों के अंदर, सुंदरवन के अंदर पानी घुसे वाला है। बारिश और बाढ़ में तैरते शहर, डूबते इंसान, पानी ऐसा पूरा रोड पे है, घर पे है। महाराष्ट्र से असम तक पानी का प्रहार। पिछले 24 घंटे में मानसून जो था काफी विग्रस रहा है। पानी से जनता, नेता सब परेशान। विधानसभा अध्यक्ष ने तय किया कि अभी हम आज के दिन अधिवेशन नहीं करेंगे। मॉनसून आया, जल प्रलय लाया। महाराष्ट्र के नागपुर में विधानसभा भवन पानी में तैरता हुआ जहाज सा दिखाई दे रहा है। विधानसभा के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। विधानसभा सत्र के लिए आए नेता जल भराव के बीच फंस गए। हमने स्विचिंग सेंटर बंद किया था, मैंने खुद जाकर उसको बंद किया था, इसलिए वहाँ मॉइस्चर आ जाएंगे और वहाँ पे कल जाके कोई भी यूटिलिटी को नुकसान पहुंचेगा। पिछले 24 घंटे में कुछ ही घंटे नागपुर में बिना बारिश के गुजरे हैं। भारी बारिश की वजह से शहर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है।
शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर में 47 साल के बाद राज्य विधानसभा के मानसून सत्र की मेजबानी कर रहा है, लेकिन नागपुर के इस विधानसभा सत्र में पानी फिर गया। जलभराव के कारण विधानसभा परिसर की बिजली काट दी गई है, लिहाजा शुक्रवार को सेशन सस्पेंड करना पड़ गया। जनरेटर जहां अंडरग्राउंड है वहां पानी भरा था, तो शायद कोई बड़ा अपघात होता, एक्सीडेंट होता, और इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने तय किया कि अभी हम आज के दिन अधिवेशन नहीं करेंगे। गोवा में भी हालात जुदा नहीं है। गोवा की राजधानी पणजी में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश हुई। गोवा में पिछले 24 घंटे में 122 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोवा के ही फोंडा सिटी में 205 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये गोवा में 3 साल की सबसे अधिक बारिश है। 24 घंटे में मानसून जो था काफी विग्रस रहा है गोवा के ऊपर, और सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है वो फोंडा में 205 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है ड्यूरिंग ये लास्ट 24 आवर्स में। बाढ़ और बारिश का ये भयंकर दृश्य ओडिशा के अरवल्ली का है। बाढ़ के बीच 30 छात्र फंस गए थे, जिन्हें ह्यूमन चेन बनाकर रेस्क्यू किया गया। शुक्र है छात्र सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के कई जिले पानी पानी हो चुके हैं। उत्तराखंड प्रशासन बाढ़ और बारिश से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। रामपुर में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। अगर बाढ़ आती है तो हम क्या क्या तैयारियां हैं, कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हमारे हैं, उन सब पे हमें क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा, आर्मी को अगर जरूरत पड़ती है बुलाने की तो वो कैसे आएंगे, उनको क्या क्या जरूरतें होंगी, इन सभी के बारे में बैठक की थी। बाढ़ और बारिश से राजस्थान परेशान है। बिहार में पानी के प्रहार ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक कार गड्ढे में समा गई। कार में 3 लोग सवार थे। गनीमत है कि उनकी जान बच गई। कार को ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। बिहार के कई जिलों में नदियों के उफान ने तबाही मचा रखी है। बिहार के बेतिया में 64 परिवारों पर पानी अभिशाप बनकर बरसा। ये 64 परिवार जमीन के कटाव की वजह से बेघर हो गए हैं। असम में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 7 जिले 82 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 29 तक पहुंच गया है। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन जब तक बारिश थम नहीं जाती हालात सुधरना जरा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।